फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे अतुल एक्सपेरिमेंट। आज ये 12 वाट का एम्पलीफायर है जो कि जल्दी में अभी रिसीव हुआ है, ये बाहर से मंगाया हुआ है मैंने। तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, तो अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये ख़रीदना है एम्पलीफायर, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने दे रखा है, आप चाहें तो डायरेक्टली मेरे से भी ख़रीद सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करवा सकते हैं, ठीक है। ये एम्पलीफायर हमारे यहाँ बनते भी हैं और रिपेयर भी होते हैं और मिल भी जाते हैं बिल्कुल न्यू कंडीशन में, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। ये प्रोटेक की तरफ से एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर अभी अनबॉक्स कर लेते हैं इसको बड़े तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप अंदर साइड में, यहाँ पर सॉरी ये उल्टा ओपन हो गया, कोई नहीं, इसको ध्यान में नहीं रखा था, पैकिंग उल्टी भी हो जाती है कभी कभी, उल्टा ओपन भी हो जाता है क्योंकि एम्पलीफायर भारी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। ये है 1200 वाट का एम्पलीफायर, ये देखिए, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे अतुल एक्सपेरिमेंट। तो ये है 1200 वाट का एम्पलीफायर जो कि न्यू एम्पलीफायर है, ये देख सकते हैं प्रोटेक की तरफ से है, ठीक ठाक एम्पलीफायर है, इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको पन्नी में से निकाल लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसके थोड़ा फ्यूचर वगैरह देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। बट तो ये है अपना एम्पलीफायर, प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर बूस्टर है और यहाँ पर प्रोटेक एमएक्स 12000 एम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना लो, ठीक है, और मिड और हाई का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुराही वगैरह लगाना हो तो आपको लगा सकते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया आपका, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से थोड़ा जूम करके। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पावर इंडिकेटर और ट्रिम और यहाँ पर एम्पलीफायर ऑफ वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मास्टर वॉल्यूम के इंडिकेटर लाइन देखने को पड़ जाएगी, आउटपुट जो कहते हैं अपने लोग यहाँ पर फैन के लिए दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर बैक साइड में चलते हैं इसके, तो ये रहा इसका बैक साइड, यहाँ पर एसी फ्यूज देखने को मिल जाएगा जो कि 10 एम्पियर का है। और यहाँ पर प्रेस यहाँ पर रीसेट है, मतलब जो कि 6 एम्पियर का है, मतलब अगर आपका आप एम्पलीफायर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। यहाँ पर पावर कॉर्ड देखने को मिल जाएगी 3 पिन में, जो कि काफ़ी हैवी लग रही है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट देख रखा है यहाँ पर और आउटपुट बैलेंस है, यहाँ पर इनपुट अनबैलेंस है और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं 2 ओम में और आउटपुट 4 ओम पे, ठीक है। यहाँ पर आपको टर्मिनल सॉकेट भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कूलिंग के लिए एक फ़ैन लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर यही है इस एम्पलीफायर में और टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए बने रहिए, ठीक है। अपनी बारी कर दी ना इनकार,